जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 21,700 से 69,100 रुपए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा एट द रेट 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस। पास ही मांग रहे हैं जी हाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारतीय खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी ओपन हुई है जिसमें 677 पोस्ट निकाली गई यानी 677 पोस्ट निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो दोस्तों इसकी सारी डिटेल ये नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट वाइज और सिटी वाइज क्या क्या पोजीशन है, कैटेगरी वाइज क्या क्या पोजीशन है, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है टोटल वो 362 है और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 315 यानी कि 315 है। तो टोटल 677 पोस्ट ओपन हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में। इसकी जो और फर्दर डिटेल है यहाँ पर हम देख सकते हैं जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ग्रेड सी की ये जॉब है, पे स्केल रहने वाला है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 21,700 से 69,100 रुपए ये पे बैंड रहने वाला है। इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए जो पे बैंड रहेगा वो 18,000 से 56,900 के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा जो एडिशनल अलाउंस है वो एज पर गवर्नमेंट के जो रूल है यहाँ पर इन्होंने नोट में मेंशन किया स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा एट द रेट 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस यानी जो अदर गवर्नमेंट अलाउंस है उसके अलावा 20% बेसिक का सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा केस कंपेंशन इन लिए ऑफ ड्यूटी परफॉर्म हॉलीडेज में अगर आप वर्क करते हैं तो उसका अलग से पेमेंट मिलने वाला है। तो ये इसका पेमेंट रहने वाला है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, ओनली 10th पास ही मांग रहे हैं जी हाँ। तो अगर आप 10th पास हैं और आपके पास में वैलिड लाइसेंस है मोटर चलाने का लाइट व्हीकल का तो आप इसके लिए एलिजिबल है और ये फॉर्म भर सकते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं डिजायर क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर दिए 10th चाहिए। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 27 साल इन्होंने रखा मिनिमम और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल की एज लिमिट रखी गई है। अपर एज की बात करें जो रिलैक्सेशन है एसटीएससी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। डिटेल में ये आपको जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके ये नोटिफिकेशन आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि डिटेल आपको समझ में आ जाए। अब नीचे की तरफ जाते हैं तो कुछ और डिटेल यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका भी इन्होंने हवाला दिया है कि किस तरह से एग्जाम रहने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जो होता है ऑनलाइन एग्जाम होता है फिर इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर जो एग्जाम है वो किस तरह से रहने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस तरह के जो है सब्जेक्ट कवर करने वाला है, ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो किस तरह से अप्लाई करना है, जो अप्लाई करने का जो मीट रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा और जो मेन डेट है वो 14th अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा और जो लास्ट डेट है वो 13 नवम्बर तक आप जो है एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको मेन है जो www.mha.gov.in या फिर www.nsc.gov.in पर जाकर आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। आप जाएंगे तो 14th अक्टूबर से ही आपको ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का आपको मिल पाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये है, इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 450 रुपये फीस रहने वाली है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप भारतीय खुफिया विभाग में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और खुफिया विभाग के द्वारा निकल कर आई है। 677 पद हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा सिटी वाइज भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और 14 अक्टूबर से ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है आप जाकर इनकी वेबसाइट पर जाकर www.mha
www.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।